चॉपर ऑपरेशन प्रिंसिपल। जैसे कि हम जानते हैं जो चॉपर होता है उसका यूज एक डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हमें डीसी वोल्टेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ये करता है चॉपर फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, जिसका यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में किया जाता है। जो चॉपर होते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एसी लिंक चॉपर डीसी लिंक चॉपर। सबसे पहले बात कर रहे हैं एसी लिंक चॉपर की। एसी लिंक चॉपर जिसकी इनपुट पर डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, तो इसकी जो आउटपुट आती है डीसी जो इनपुट पर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो आउटपुट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आती है और फिर इससे हमारे पास मिलती है डीसी, यानी डीसी से डीसी। इसे एसी लिंक चॉपर बोलते हैं। एसी लिंक चॉपर कॉस्टली होते हैं, बल्की होते हैं और लेस एफिशिएंसी के होते हैं। और इसके अलावा दूसरे होते हैं हमारे डीसी चॉपर्स। डीसी चॉपर्स जिसमें डीसी प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट पर डायरेक्टली डीसी मिल जाती है, जो कि फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जो डीसी चॉपर होते हैं वो स्टैटिक डिवाइस होते हैं, जो कि ये जो हमारे ट्रॉली कार्स और यानी स्मूथ कंट्रोलिंग हाई फ्रिक्वेंसी और फास्ट रिस्पॉन्स इनका होता है, तो फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स में ट्रॉली कार्स में इनका यूज किया जाता है। ये जो चॉपर सिस्टम होते हैं ये स्मूथली कंट्रोल किए जा सकते हैं और फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं हाई एफिशिएंसी में। अब इसका जो सिंबल है उसको कुछ इस तरह से डिनोट किया गया, एक स्विच से इसको डिनोट किया जाता है, जिसमें ये साइड पॉजिटिव शो करती है और ये शो करेगी नेगेटिव। जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं वो उसमें चॉपर सर्किट का यूज किया जाता है एज अ फोर्स कम्यूटेटर थायरिस्टर, थायरिस्टर को कम्यूटेशन प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उनको ऑफ करने के लिए। तो ये जो पावर बीजेटी में, पावर मोसफेट में, जीटीओ, आईजीबीटी, इन सब में इसका यूज किया जाता है। ये इसका स्विच है। चॉपर को हम एक स्विच से डिनोट करें, इसे एस डब्ल्यू से डिनोट किया गया है। ये साइड पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं चॉपर ऑपरेशन। ये जो हम कर रहे हैं इसे हम स्टेप डाउन चॉपर भी बोल सकते हैं। देखिए ये हमारा चॉपर है जिसको हमने अभी अभी किया था, इसका सिंबल था स्विच से जिसे डिनोट किया था। ये कनेक्टेड होगा हमारे इंडक्टर और लोड के साथ और बीच में एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड होता है। इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारा जो स्विच है इनपुट से हम जब सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। इस टाइम पे चॉपर क्या होगा, ऑन कंडीशन में होगा, यानी कि जो हमारा ऑन वर्किंग कंडीशन में होगा जो करंट होगा वो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा जब सोर्स से डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है। इस समय ये सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है और जब इस टाइम में ये टर्न ऑन, टी ऑन टाइम शो करता है चॉपर का, जो करंट फ्लो होता है वो जाता है पॉजिटिव से चॉपर, चॉपर से इंडक्टर और लोड की तरफ। इस से यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी। जब ये यहाँ से सब सप्लाई जाती है तो ये क्या करता है, इंडक्टर इस टाइम पे चार्ज को स्टोर करता है। आउटपुट करंट हमारा लोड की तरफ आएगा, इस टाइम पे इंडक्टर हमारे चार्जेस को स्टोर करता है। और जो आउटपुट करंट है जब हमारा सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस टाइम पे आउटपुट करंट क्या आता है, इंक्रीज करना स्टार्ट करता है और इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करता है और आउटपुट पे भी करंट फ्लो होता है। ये टर्न ऑन टाइम होता है चॉपर का और इस टाइम पे आउटपुट करंट क्या होता है, इंक्रीज करना स्टार्ट करता है और इंक्रीज होके ये देखिए इस पॉइंट तक वो इंक्रीज करा। अब जब सेकंड कंडीशन में जब सोर्स जीरो है यानी चॉपर ऑफ कंडीशन में है और जो सोर्स वोल्टेज है वो जीरो है, यहाँ से कोई भी जीरो वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही है सोर्स वोल्टेज और आउट, तो इस टाइम पे क्या होगा, इंडक्टर का यूज होगा। इंडक्टर ने जो चार्ज स्टोर करके रखा था इंडक्टर उस चार्ज को यूज करेगा और करंट हमारा इंडक्टर, लोड और फ्री व्हीलिंग डायोड से पास होगा इस तरह से एक पर्टिकुलर लूप में। इस तरह से हमारा जो करंट है वो पास होगा। ये जो टाइम है यानी इंडक्टर, लोड और फ्री व्हीलिंग डायोड इस तरह से, और इस टाइम पे ये टी ऑफ टाइम जिसे ऑफ टाइम बोलते हैं, इस टाइम पे आउटपुट करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस टाइम पे सोर्स से कोई सप्लाई नहीं आ रही है, इंडक्टर उस सप्लाई का यूज कर रहा है जो उसने स्टोर कर रखी थी। तो इस तरह से चॉपर ऑफ कंडीशन में रहेगा और इंडक्टर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा लोड के थ्रू, और लोड से फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट पास होगा। और अब देखिए इस टाइम पे जब नेक्स्ट कंडीशन आएगी, फिर से जब हमारी जो इनपुट सप्लाई होगी सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, जब हमारी इनपुट होगी वो अगेन सोर्स का चॉपर क्या होगा, फिर से ऑन कंडीशन में होगा, यानी कि इनपुट से जब सप्लाई दे रहे हैं वीएस के इक्वल है, इस टाइम पे अगेन इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो इंडक्टर अगेन चार्जेस को स्टोर करेगा, इस टाइम पे इंडक्टर फिर से चार्जेस को स्टोर करने लग जाएगा और आउटपुट करंट क्या होगा, फिर से इंक्रीज करने लग जाएगा जब तक कि हमारी जो इनपुट है सोर्स वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल है। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट है वो हमारा इस तरह से यानी इंक्रीज होगा, यहाँ से देखिए वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही हमारी जो सप्लाई है सोर्स वोल्टेज वो जीरो होगी और चॉपर ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, चॉपर अगेन ऑफ कंडीशन में आया है, सोर्स जीरो हुई, ये देखिए चॉपर हो गया हमारा ऑफ और जो इनपुट है वो भी हो गई जीरो। इस टाइम पे फिर से वही फंक्शन परफॉर्म होगा, इंडक्टर से लोड और लोड से फ्री व्हीलिंग डायोड, इस तरह से करंट फ्लो होगा लूप में और आउटपुट करंट फिर से क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आउटपुट करंट हमारा क्या होगा, फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो टाइम होगा ये टर्न ऑफ टाइम होगा चॉपर का, इसमें जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी, ये जो वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज शो करती है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से क्या होगी, कम होगी। इस चॉपर को हम स्टेप डाउन चॉपर भी बोलते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, VO इज इक्वल टू T on time, जो turn on time है, upon T on plus T off, इन दोनों का plus, T on time plus T off time into source voltage, इस तरह से हम output voltage को denote कर सकते हैं। और जो हमारी output voltage होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T on upon T, T मतलब total time, on plus off, total time, इसको T से denote किया गया, into voltage, जो कि हम supply provide कर रहे हैं, जिसको इज इक्वल टू अल्फा वी एस के इक्वल पुट किया गया है। तो ये तो हमारी आउटपुट वोल्टेज हुई। अब इसमें हमने देखा कि जो हम ये हमारी इनपुट सप्लाई होती है, जो आउटपुट यानी कि ये हमारी आउटपुट वोल्टेज शो करेगी और ये हमारी सोर्स वोल्टेज, जब हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, ये जो टाइम है जब हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये होगा ऑन टाइम चॉपर का और ये होगा ऑफ टाइम चॉपर का। अब ये हमारा ऑन टाइम और ऑफ टाइम शो करते हैं, तो आउटपुट करंट क्या होगा, इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ से आउटपुट मिनिमम आउटपुट करंट से मैक्सिमम तक जब चॉपर ऑन कंडीशन में है तो आउटपुट करंट इंक्रीज कर रहा है, जब चॉपर ऑफ कंडीशन में होगा तो आउटपुट करंट डिक्रीज होकर मिनिमम पॉइंट पे आएगा, जब चॉपर अगेन ऑन कंडीशन में होगा मिनिमम पॉइंट से अगेन इंक्रीज करेगा मैक्सिमम पॉइंट तक। तो इस तरह से ये हमारे पास वेव बनती है, यानी रिपल करंट आता है। तो ये फिक्स, ये देखिए यहाँ से हमारे पास फिक्स है, फिक्स सी जा रही है और ये ऑफ हो गया, फिर वो डिक्रीज हो गया, फिर चॉपर ऑन हुआ तो ये फिर से इंक्रीज हो गया, तो ये जा रही है हमारे पास रिपल्स करंट, रिपल करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो रिपल करंट होता है वो आउटपुट मैक्सिमम माइनस आउटपुट करंट जो मिनिमम करंट होता है उसके इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों के मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी एवरेज जो होगा वो इन दोनों के बीच का होगा। इस तरह से हम इनके इसको बोल सकते हैं। देखिए जब चॉपर ऑन कंडीशन में होगा तब तो इंडक्टर क्या करेगा, चार्जेस को स्टोर करता है सबसे फर्स्ट कंडीशन में, और जब चॉपर ऑफ कंडीशन में होगा तो वो चार्ज जो इंडक्टर ने स्टोर कर रखे थे उन चार्जेस का यूज करके इंडक्टर सर्किट में करंट फ्लो करवाता है एक पर्टिकुलर लूप में, यानी इंडक्टर से लोड, लोड से फ्री व्हीलिंग डायोड, और जब सोर्स वोल्टेज इनपुट सप्लाई डीसी सप्लाई जाएगी यानी इस टाइम में, उस टाइम में हमारा जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं होगा। ये करंट लिमिट कंट्रोल है हमारे चॉपर का।
और ये जो हमारे चॉपर ड्राइव्स होते हैं इनका काम ही जो हमारे डीसी टू डीसी कन्वर्ट करने का होता है, और बहुत सारे सिस्टम्स में हम डीसी वेरिएबल डीसी का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।